कैसे हैं आप दोस्तों। मैदान का ट्रेलर आज रिलीज हो गया आखिरकार, बहुत जद्दोजहद के बाद आज हमको देखने को मिला अजय देवगन का मैदान ट्रेलर, यानी कि मूवी आने वाली है तो ये तो कंफर्म हो गया। मगर उससे पहले हम बात करें कि भाई जो टाइम इन्होंने रिलीज़ किया है, यानी कि जो टाइमिंग है इनकी बहुत बेहतरीन, यानी कि कल मूवी आ रही है अजय देवगन की शैतान और आज आया मैदान। तो दोस्तों बात करेंगे इसी पर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं क्या कह रहे हैं मैदान का ट्रेलर देखने के बाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों पहले हम बात करें, ये एक ऐसी मूवी है, आप ऐसा ना सोचो कि यार ये एक मारधार और एक एक्शन मूवी हो, नहीं, ये एक फुटबॉल टीम के अंदर क्या क्या हुआ है। पहले हमारी जो टीम इंडिया और जो इस मूवी के अंदर रोल निभाया अजय देवगन ने, वो बंदा कौन है, कैसे टीम इंडिया को कहां तक लेके आया, इसके बारे में दिखाया जाएगा। यानी कि जो हम कह सकते हैं ये एक बायोपिक मूवी है, यानी कि आप सोचो इसके अंदर जो सैयद अब्दुल रहीम है, जी हाँ दोस्तों, जो किरदार निभा रहे हैं अजय देवगन, वो पहले लीजेंड रह चुके हैं, यानी कि वो एक फुटबॉल कोच हैं और कैसे टीम इंडिया को कहां से कहां लेके गए, वो सब इस मूवी के अंदर दिखाया जाने वाला है। यानी कि हमारे बहुत लीजेंड कोच सैयद अब्दुल रहीम, जी हाँ दोस्तों, तो सेम ये बायोपिक है उनके ऊपर, यानी कि आप सोच सकते हो कि ये सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी तो आपको पता लग गई, यानी कि आपको ट्रेलर देखने के पहले ये पता लग चुका होगा कि इस मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है। मगर आप ये देख के ऐसा ना सोचो कि यार हमने सब कुछ देख लिया, कैसे हुआ, कैसे होगा, क्या किरदार निभाने वाले हैं अजय देवगन, कैसे निभाने वाले हैं, क्या काम करेंगे वो, ये तरीका मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि अजय देवगन की आपने मूवी देखी है, हर एक मूवी के अंदर उनका किरदार जो होता है एकदम से अलग होता है, मगर इस मूवी के अंदर हम देखना चाहते हैं कि भाई कैसे वो कोच का जो किरदार है वो निभाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग बोल रहे थे यार इस मूवी ट्रेलर के अंदर सब कुछ दिखा दिया, तो भाई क्या दिखाया आपने, वो जो मूवी के अंदर होगा कुछ ना कुछ वही तो दिखाया आपको। अगर आपको पता चल गया कि ये सब होने वाला है तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। ये हर एक मूवी, आप किसी मूवी का ट्रेलर देख लो, हर बंदा गैस कर लेता है, पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है, एंड में क्या होगा, सबको पता है, ठीक है। मगर हम मूवी किस लिए देखने जाते हैं कि भाई क्या क्या होगा मूवी के अंदर, इसलिए देखने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो किरदार है सैयद अब्दुल रहीम का बायोपिक निभाने वाले, यानी कि अजय देवगन, जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन किरदार है और जो दिख रहा है अजय देवगन का रोल इस मूवी के अंदर, माइंड ब्लोइंग। यानी कि आप का उनका डायलॉग ले लो, आप हो 11 मगर मैदान में दिखना एक, बहुत बेहतरीन। और आपको ये जो ट्रेलर देखने के बाद कुछ मूवियों की याद आएगी, जैसे कि पहले तो चक दे इंडिया, जी हाँ दोस्तों, चक दे इंडिया, तो और ये एक सॉन्ग आपने सुना होगा इंडिया इंडिया वाला, वो भाई वायरल होने वाला है, यानी कि भाई बहुत बेहतरीन ये एक सॉन्ग होने वाला है। तो दोस्तों आपको याद दिलाएगी मूवी अक्षय कुमार की गोल मूवी, ठीक है। तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिसाइज करते हैं भाई ये अजय देवगन का कुछ खास नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो भाई मैं सच्चे दिल से बोलूँ तो भाई ट्रेलर मस्त है, आप इसको बोल सकते हैं सुपरहिट ट्रेलर। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेंट भर के है इस मूवी के अंदर और बेहतरीन। आप इस मूवी को देख के यही कहेंगे कि यार कुछ तो नया मिला हम देखने को, क्योंकि जो मूवी है वो है एक फुटबॉल के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, और इंडिया में फुटबॉल जो है बहुत, अभी इंडिया जो है जद्दोजहद में लगा है कि कैसे हम ऊपर आए, क्योंकि अभी हमारे जो हम कह सकें नेशनल में तो है, इंटरनेशनल में हमारा अभी दबदबा नहीं है फुटबॉल में, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। तो इस मूवी के अंदर सब कुछ दिखाएगा और इस मूवी के देखने के बाद शायद इंडिया के जो फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक जज्बा आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि ये ऐसी मूवी बननी चाहिए, क्योंकि जो फुटबॉल है वो लोग ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा आएंगे देखने, और इस ऐसी मूवी बनेंगी तो
तो जो खेल है ना हमारा फुटबॉल का, वो भाई बहुत ज़्यादा मतलब आगे आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर फुटबॉल का भी ज़्यादा क्रेज नहीं है। तो शायद इस मूवी देख ये वाली मूवी देखने के बाद कुछ ऐसा जज्बा आए खिलाड़ियों के अंदर कि भाई चक दे इंडिया वाला हालो। तो दोस्तों टेलर मैदान का बहुत बेहतरीन है, आप इसको एक लाइन में बोल सकते हो फैंटास्टिक। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन एकदम बढ़िया कोच वाले कैरेक्टर में अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं बोलते हैं, तो उनसे कुछ लेना देना नहीं, आपको ये मूवी देखनी है मतलब देखनी है, आपको ये मूवी निराश नहीं कर सकती जो ट्रेलर के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।